मैम, मुझे ना अपना अकाउंट खुलवाना था। अकाउंट खुलवाना था? ओके, बताइए। मैं चाह रहा था कि मेरा अकाउंट ना जीरो बैलेंस वाला खुल जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे वगैरह तो रहते नहीं है इतने, तो अकाउंट भी होना चाहिए ना। कभी कभी वो दोस्त यार पैसे डाल देते हैं। सर, लेकिन ये प्राइवेट बैंक है, वो जीरो बैलेंस वाला गवर्नमेंट बैंक में खुलता है, यहाँ नहीं खुल पाएगा। अरे मैम, कैसी बात कर रहे हो? पता है कितनी उम्मीद से आया था मैं और सोचा था कि मैं इसी बैंक में अपना खाता खुलवाऊंगा। ये तो गलत बात है ना, आपको ना ये वाली भी सुविधा रखनी चाहिए। सर, हम नहीं रख सकते, वो सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है, प्राइवेट बैंक में नहीं होती है। कम से कम अगर आपको यहाँ अकाउंट खुलवाना है, आपके पास 10,000 होने ही होने चाहिए। ठीक है, ठीक है मैडम, मेरा काम तो वैसे हो गया है, अब मैं गवर्नमेंट में ही करवा लूंगा। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ, जाओ। खाता तो मैं खुलवाऊंगा अच्छी तरीके से थाने ले जाकर। अरे सर, क्या हुआ आप यहाँ पे? खाता? सर, पुलिस वाले कब से खाता खोलने लग गए? सर, बात कुछ ऐसी है ना, मेरे पास इतने पैसे तो रहते नहीं है, और मैडम ने मेरे को बता दिया कि 10,000 में खाता खोलेगा, तो मैं तो बस दूसरी बैंक जा रहा था अपना खाता खुलवाने। मुझे नहीं खुलवाना इस बैंक में, प्राइवेट ना बहुत फालतू के पैसे काटती है। अरे सर, जब आपको खाता खुलवाना ही था तो आप आए क्यों? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोल रहे हो यहाँ पे, आप जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैडम, ये खाता खुलवाने नहीं आए थे, ये तो कुछ और ही करने आए थे। ये ना बैंक में डकैती डालने आए थे, चोरी करने, और ये जो साथी है ना, ये भी इसके साथ मिला हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ का। अरे सर, आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर काम करते करते मुझे बहुत समय हो गया, और आप ऐसी बात कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ यहाँ का। अच्छा, तुझे काम करते बहुत वक्त हो गया है, बुलाता हूँ मैं असली सिक्योरिटी गार्ड को। खालिद! अरे हाँ सर, आप तो ठीक कह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड तो ये है यहाँ का। ये तो शक्ल में पहली बार देख रही हूँ, ये थोपड़े का डिजाइन तो कौन है? इतनी सिक्योरिटी में बैंक के अंदर आते? वही तो मैडम, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, कोने कोने पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उसमें भी ये सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के अंदर बैंक के अंदर आ गया। वाह मैडम, और आपको पता भी नहीं चला? हाँ सर, मुझे पता भी नहीं चला, ये चालाकी से लोग अंदर आ गए। अगर आपने आते पता नहीं लोग क्या कर देते। आप अच्छा हुआ ठीक टाइम पे आ गए, आप ही लेके जाइए यहाँ से, मैं ना ऊपर इन्फॉर्म करती हूँ कि बैंक में चोरी होने वाली थी। अब ना इनको थाने ले जाके पहले अच्छे से कुटाई करूंगा ना, हाथ पैर तोड़ूंगा इनके, उसके बाद ना कोर्ट में पेश करूंगा मैं। हाँ हाँ सर, ठीक कह रहे हो आप, इन्हें तो लंबी सजा होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ना फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लोगों की इतनी मेहनत के पैसे होते हैं, बताओ ये लोग सारे पैसे ले जाते, अगर ये लोग सारे पैसे ले जाते मेरी तो नौकरी चली जाती। क्या कहती मैं कि कैसे चोरी होगी मेरे रहते हुए? और मैडम, आप यहाँ की मैनेजर हो बैंक की, आपको ध्यान रखना चाहिए था, इस तरह के डकैत इसके अंदर घुस के आ रहे हैं, और आपकी क्या सिक्योरिटी है? देखो सिक्योरिटी गार्ड की तो यूनिफॉर्म पहने हुए है वो, और जिस टाइम तुम्हारे आदमी पैसे लोड कर रहे थे ना गाड़ी में, उसी टाइम हमारी पीसीआर वैन ने आके पकड़ लिया था, घर दबोचा है, वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं, और उन्हीं की गवाही पर मैं इसके अंदर आ चुका हूँ पहले से ही, तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, कि बच के निकलना चाह रहे होगे तुम लोग, अब नहीं बचोगे तुम, अब इन मैडम की गवाही पर ना उम्र भर की कैद कराऊंगा तुम लोगों को। कितना बताएगी हमें, पर मैं आपको सब सच बताता हूँ, सारा प्लान जो है ना इसी का है, और यही हमारी बात है। बॉस, अचानक से आपने क्यों बुलाया बताइए? मेरी बात ध्यान से सुनो, एक हफ्ते बाद हमारे बैंक में 200 करोड़ रुपए कैश आने वाला है, इसीलिए तुम लोगों को बुलाया, तो अपना प्लान तैयार रखना, मैं अंदर का सब संभाल लूंगी, कैमरे कैसे ऑफ करने, कहाँ कहाँ क्या करना है प्लानिंग समझा दूंगी, बाकी का तुम लोगों को ही देखना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ड्रामा करना पड़ेगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ या ऐसा कुछ, तो ध्यान से कोई भी गलती हुई ना तो जान से जाएंगे, याद रखना, और आखिरी बार इतना बड़ा मौका मिल रहा है, तब तक ये निचड़ों वाली जिंदगी जीते रहेंगे, दो पैसे के लिए इसके सामने भटक रहे, उसके सामने भटक रहे, एक बार ये चोरी हो गई ना जिंदगी भर ऐश करेंगे ऐश, और यहाँ इंडिया में रहने की तो जरूरत ही नहीं है, विदेश जाएंगे विदेश। टेंशन मत लो बॉस, ये 200 करोड़ जो है ना 2 मिनट में गायब कर देंगे हम। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, उस दिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, तो तुम लोगों को अंदर कैसे आना है ना वो तो मैं देखना होगा, मैं सिर्फ अंदर का संभाल सकती हूँ, बाहर का नहीं संभाल सकती, और निकलना कैसे है वो भी देख लेना, और पैसे लेके अड्डे पहुंच जाना। पक्का सिक्योरिटी बहुत होगी ना उस दिन? हाँ, टेंशन मत ले, चल भाई प्लान आ गया मेरे दिमाग में एक। ठीक है बॉस, जरूरी बात करनी थी आपसे। आप ना लक्षा उनसे ना करो, बदबू आ रही है बहुत आप में से। एक चला ले जाओ, सुबह ही नहीं थी मैं, क्या आप फंस के जा रहे हैं? सब पागल हो गए, आप फंस गए ना कि मुझे फंसा रहे हैं, मैं तो इनकी शक्ल भी पहली बार देख रही हूँ, मैं जानती नहीं उसे, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा करती तो मैं इन लोगों के खिलाफ गवाही थोड़ी ना देने को तैयार हो जाती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर, मेरे पास तो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, तभी हमें प्लान बता रही थी ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, मुझे पता थी अगर पकड़े गए ना तो हो सकता है कि ये सारे इल्जाम हम पर लगा दे, सर हम दबाई देंगे इसके खिलाफ। उनके पास रिकॉर्डिंग है और कुछ कह रहा है?
कानून ना सबूत के आधार पे चलता है और तुम बचोगी नहीं। तुमसे ना कड़ी कार्रवाई थाने ले जाकर करता हूँ अच्छे से। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। गलती का प्रायश्चित ना जेल में करना। चलो बैठो गाड़ी में।